हेलो फ्रेंड्स, सॉरी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए देखते हैं हैलोजन लैंप के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हैलोजन लैंप पढ़ने से पहले आप लोग इनकैंडेसेंट लैंप को ज़रूर देखिए, उसको समझिए, जो कि हमारे सॉरी टेक्निकल क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप आसानी से वहाँ पर जा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए अब हैलोजन लैंप के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हैलोजन लैंप का आविष्कार किसने किया और किस ईस्वी में किया, वो सारे चीज़ हम पहले से ही लिख कर लेकर आए हैं। कई सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि उन्हें नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता, जिसके कारण आज हम उनके पास अपना ही नोट्स, अपना बना हुआ नोट्स ही लेकर आए हैं। अब आसानी से अब वो लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इस नोट्स को। तो चलिए आइए इसको हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे हैलोजन लैंप के बारे में। तो हैलोजन लैंप का आविष्कार 1958 ईस्वी में बीजी फ्रेडरिच एंड ईएच विली के द्वारा किया गया था। इन्होंने हैलोजन लैंप को डिस्कवर किया था। देखिए, इनको याद, ये नाम याद रखिएगा आप लोग, बीजी फ्रेडरिच और ईएच विली के द्वारा हमारा हैलोजन लैंप का आविष्कार किया गया था 1958 ईस्वी में। ये सारे चीज़ हम इसको पढ़कर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बढ़िया से करके आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बात मेरा सुन लीजिए। जो जैसा कि हम लोग इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में जानते थे, उसका डिसएडवांटेज के बारे में जानते थे कि उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जब बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग टेम्परेचर आता था तो वो इवापोरेट हो जाता था, टंगस्टन उसका इवापोरेट हो जाता था। फिलामेंट एज अ टंगस्टन फिलामेंट के रूप में उपयोग करते थे तो वो इवापोरेट हो जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर था जिसके कारण इवापोरेट होना शुरू होता था। और वो इवापोरेट होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब कोई टंगस्टन उस इनकैंडेसेंट लैम्प में नहीं बचेगा। इसी कारण क्या होगा, वो फिलामेंट खत्म, वो जो इनकैंडेसेंट बल्ब है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसी ग्रेजुअली लॉसेस, जो ग्रेजुअली लॉस हो रहा है इनकैंडेसेंट बल्ब में टंगस्टन का इवापोरेशन के कारण, तो इसी से बचाने के लिए, हमारे टंगस्टन जो है इवापोरेट ना हो, इससे बचाने के लिए बीजी फ्रेडरिच और ईएच विली ने 1958 ईस्वी में आयोडीन का यूज किया। कहाँ पर, इनकैंडेसेंट लैंप में आयोडीन गैस का यूज किया। आयोडीन गैस का यूज करके उन्होंने देखा कि जब ही आयोडीन का यूज कर रहे हैं तो चूँकि बहुत ज़्यादा हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर है तो 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पर जब टेम्परेचर था उस इनकैंडेसेंट लैम्प का, तो हमारा जो टंगस्टन है वो इवापोरेट होना शुरू हुआ। जब इवापोरेट हुआ तो वो सरफेस पर आकर सोचा कि वो सरफेस पर जाकर चिपके, लेकिन उसको चिपकने नहीं दिया गया। कौन नहीं चिपकने दिया, तो आयोडीन नहीं चिपकने दिया। अब पूछिएगा कैसे नहीं चिपकने दिया, तो आयोडीन जो था वो टंगस्टन के साथ कंपाउंड बना लिया, टंगस्टन आयोडाइड बना लिया। और ये टंगस्टन आयोडाइड का नेचर होता है कि वो कभी सरफेस पर नहीं चिपकता, वो हमेशा वोलेटाइल इन नेचर होता है, मतलब कि उड़नशील। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़नशील, वो उड़ना चाहता है, वो ऊपर उठना चाहता है, नीचे नहीं जाना चाहता, ऊपर उठना चाहता है। और ऊपर उठेगा तो फिर से वो कहाँ चला जाएगा, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, जहाँ पर करेंट को फ्लो करवाया जा रहा था, जो सपोर्ट वायर था और लीड वायर था। ये बात उसी को समझ में आएगी जो हमारे इनकैंडेसेंट लैंप के लेक्चर को देखा होगा। अब हम लीड वायर कह रहे हैं तो लीड वायर किसे समझ में आएगा, जो इनकैंडेसेंट लैंप के कंस्ट्रक्शन को देखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इनकैंडेसेंट लैंप के वीडियो को नहीं देखें, लेक्चर को नहीं देखें, तो ज़रूर से ज़रूर पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखें, लेक्चर को ज़रूर देखें। हाँ, तो जो लीड वायर था या जो सपोर्ट वायर था वहाँ पर वो चला जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, चूँकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो टंगस्टन आयोडाइड है वो टंगस्टन आयोडाइड टूट जाएगा, टंगस्टन प्लस आयोडीन में आयोडीन वहाँ से निकल जाएगा और टंगस्टन का फिर से हम लोग यूज करने लगेंगे। फिर चूँकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पर का है तो कुछ ना कुछ टंगस्टन इवापोरेट होगा और फिर वह कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन फिर उसके साथ रिएक्शन करेगा और टंगस्टन आयोडाइड बनाएगा और फिर से टंगस्टन आयोडाइड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही प्रक्रिया रिजेनरेटिव प्रोसेस होती रहेगी और हमारा
टंगस्टन जो इवापोरेट हो रहा था उससे लॉसेस हो रही थी, इवापोरेट होकर ख़त्म हो जा रहा था टंगस्टन, अब वो टंगस्टन ख़त्म नहीं होगा। बेसिकली हैलोजन लैंप का हमने मोटा मोटी उसका कंस्ट्रक्शन हमने बता दिया, उसका वर्किंग बता दिया। कंस्ट्रक्शन तो सिमिलरली होगा एकदम इनकैंडेंसेंट लैंप का, बस इनकैंडेंसेंट लैंप में हम लोग हैलोजन गैस के रूप में आयोडीन का यूज नहीं कर रहे थे और इसमें हैलोजन गैस के रूप में आयोडीन का यूज करेंगे। तो चलिए अब देख लिख कर लाए हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो 1958 ईस्वी में बीजी फ्रेडरिच और ईएच विली ने डेवलप किया था क्या चीज़, टंगस्टन हैलोजन लैंप को डिस्कवर किया था। क्यों डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था, तो बाय इंट्रोड्यूसिंग ए हैलोजन गैस। हैलोजन गैस में भी जैसा कि हैलोजन गैस कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका जो 17th ग्रुप है उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब पाया जाता है, तो इसको हैलोजन ग्रुप कहते हैं। उसी हैलोजन ग्रुप का एक गैस है जिसको आयोडीन कहते हैं, उसको उपयोग किया गया किसमें, इनकैंडेसेंट लैंप में। अगर उपयोग नहीं किया जाता तब क्या होता, क्यों उपयोग किया गया, हम नहीं उपयोग करेंगे, जब नहीं उपयोग कीजिएगा तो इनकैंडेसेंट लैंप में जो फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल किया था वो ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगेगा, उसका इवापोरेशन होने लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके कारण वह एकदम उसका इवापोरेशन होने लगेगा और बहुत जल्दी जल्दी वो लॉस हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या किए, आयोडीन को यूज किए। अगर आयोडीन को यूज करेंगे तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ऐसा कोई बात नहीं होगा, आयोडीन का यूज करेंगे तो इवापोरेशन तो होगा लेकिन इवापोरेशन के बाद वो बच जाएगा, ऐसा नहीं कि सरफेस पर चला जाएगा। हाँ तो देखिए अब आगे बढ़ देखते हैं। द इवापोरेटेड टंगस्टन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ ए नॉर्मल इनकैंडेसेंट लैम्प गेट डिपोजिटेड इनसाइड द बल्ब सरफेस। हाँ ये बात तो बता दी है कि जब अगर इवापोरेशन होगा तो बल्ब के सरफेस पर जाकर चिपक जाएगा और चिपक जाने के कारण उसका जो इफिशेंसी है और ल्यूमेन आउटपुट है इनकैंडेसेंट लैम्प का क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि ब्लैकनेस आ जाएगा सरफेस पर, तो बहुत ज़्यादा उस उतना एरिया से जहाँ पर ब्लैकनेस आया है उस एरिया से तो हमारा ल्यूमेन आउटपुट नहीं निकल पाएगा। अब ल्यूमेन आउटपुट नहीं निकलेगा तो हमारा जो इफिशेंसी है उस इनकैंडेसेंट लैंप का घट जाएगा और ल्यूमेन आउटपुट पर भी इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बट द इंसर्शन ऑफ हैलोजन गैस इन टू द इनकैंडेसेंट लैम्प ओवरकम द डिफिकल्टी इन एडिशन विथ द डिफरेंट एडवांटेज बिकॉज ऑफ हैलोजन गैस हेल्प्स द इवापोरेटेड टंगस्टन टू फॉर्म टंगस्टन हैलाइड। इसको इस चीज़ को एकदम आप ध्यान में रखिए, टंगस्टन हैलाइड ये जो हम कलर कर रहे हैं इसको टंगस्टन हैलाइड बना लेगा। टंगस्टन हैलाइड बनाने से क्या हो जाएगा, जो इवापोरेटेड टंगस्टन है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, सरफेस पर जाने से बच जाएगा। और जब सरफेस पर नहीं जाएगा तो जो हमारा इफिशेंसी है इनकैंडेसेंट लैम्प का, या अब उस इनको इनकैंडेसेंट लैम्प नहीं कहेंगे, अब उसको हैलोजन लैम्प कहेंगे, तो उसका जो इफिशेंसी होगा बढ़ जाएगा। टंगस्टन लाइट विच नेवर गेट डिपोजिटेड ऑन द इनर बल्ब सरफेस एट ए टेम्परेचर बिटवीन 500 केल्विन टू 1500 केल्विन सो द ल्यूमेन नेवर फेस ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि अगर टंगस्टन हैलाइड का फॉर्मेशन कर लिया तो अब वो इनर सरफेस पर जाएगा नहीं, वो वोलाटाइल इन नेचर है, वो ऊपर उड़ना चाहेगा। जब वो ऊपर जाएगा तब वो कहाँ जाएगा, सीधे जहाँ पर वो उसका ऑपरेशन हो रहा था, जहाँ पर करेंट फ्लो हो रहा था लीड वायर के थ्रू, वहाँ पर जाएगा। और वहाँ पर जाने के बाद उससे भी I²R लॉस होगा और I²R लॉस होगा और टी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वहाँ पर होगा और अच्छी तरीके से हम लोग को वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और रेड हॉट बॉडी से वो ऑब्जेक्ट वाइट हॉट बॉडी में कन्वर्ट होगा और आसानी से विजुअल रेंज का लाइट हम लोग को प्रोड्यूस करेगा, हम लोग को सारी चीज़ें अच्छी से दिखाई देंगी। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में सीखा, अभी तक हमने सीखा कि क्यों हम लोग हैलोजन लैम्प में हैलोजन का यूज करते हैं और हैलोजन गैस का यूज करते हैं, हैलोजन गैस के रूप में भी आयोडीन का क्यों यूज करते हैं, क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा
नीड्स ऑफ हैलोजन लैम्प, हैलोजन लैम्प का क्या आवश्यकता था उसको हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार के लेक्चर को देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।